दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि बैनामा रुकवाने के लिए आप प्रार्थना पत्र कैसे लिखें और बैनामा कैसे रुकवा सकते हैं वो आप जान लीजिए। देखिए मान लीजिए आपके पिताजी या मान लीजिए आपका भाई मान लीजिए शराबी है या मान लीजिए मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या मान लीजिए आपका पति कोई भी व्यक्ति है वो जमीन बेच सकता है, ज़्यादा शराब ही नशेड़ी है और मान लीजिए मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो ऐसी कंडीशन में बैनामा रुकवाने के लिए प्रार्थना पत्र मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कोई मानसिक रूप से सही है फिर तो आपको कोर्ट से स्टे वगैरह लेना पड़ेगा, वरना आप बैनामा रुकवाने के लिए प्रार्थना पत्र उस कंडीशन में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पिता मानसिक रूप से सही नहीं है, मान लीजिए आपका भाई वगैरह कोई भी शराब पीता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लगता है कोई धोखाधड़ी कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आप बैनामा रुकवाने के लिए इस तरीके से प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। क्या प्रारूप वो आप समझ लीजिए। और एक बात बता दूं मैं आपको, यदि आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और ये चीज जो है आप इसी प्रकार के प्रार्थना पत्र पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। बैनामा रुकवाने के लिए प्रार्थना पत्र अब आपको कैसे लिखना है वो आप समझ लीजिए। सेवा में श्रीमान उपनिबंधक महोदय, जो भी आपका कार्यालय हो, ठीक है, जो भी आपकी तहसील, जो भी आपका कार्यालय हो, वो जिले का नाम, विषय जिस जमीन को रखवाना है, जहां पे जमीन हो परगना, ग्राम जिस ग्राम में है उसका नाम, ग्राम मौजा परगना और तहसील जिला की, गाटा संख्या जो हो, गाटा संख्या रकवा जितना हो, के विक्रेता किसके नाम वो जमीन है, कौन बेच सकता है, उसका नाम, उसके पिता का नाम, निवासी का बैनामा रोकने के संबंध में। ये प्रारूप जो है हमने तैयार किया है कि एक पत्नी जो है उसका पति बहुत ज्यादा शराबी नशेड़ी गंजेड़ी है और दिमाग से अस्वस्थ है, तो ऐसी कंडीशन में हमने जो है डायरेक्टली जो उपनिबंधक होते हैं उन्हें प्रार्थना पत्र लिखा है। अब विषय क्या है वो आप जान लीजिए। महोदय निवेदन है, विषय हमने बता दिया आपको। अब निवेदन है कि उपरोक्त भूमि प्रार्थनी के पति, पति का नाम, के नाम विरासतन है, मेरा पति बहुत बड़ा नशेड़ी है, गांजा शराब आदि का सेवन करता है जिसकी वजह से मानसिक स्थिति सही नहीं है, अपना भला बुरा सोचने में असमर्थ है, मेरे 3 नाबालिग संतान हैं, हम सभी इसी जमीन पर आश्रित हैं, इसके अलावा मेरी कोई भी आय स्रोत नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि कोई नशेड़ी दिमाग से अस्वस्थ पति से ये उक्त जमीन अपने नाम धोखे से बैनामा ना करवा ले। मेरे पास इस जमीन के पास कुछ नहीं है, इस जमीन जाने के बाद हम और हमारे बच्चे भुखमरी की कगार पर होंगे, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त मानवीय आधार दृष्टि अपनाते हुए मानसिक रूप से अस्वस्थ नशेड़ी विक्रेता मेरे पति कोष्टक जो भी नाम हो, पुत्र निवासी मौजा जो भी गाटा संख्या हो उसकी, परगना तहसील में स्थित जमीन का बैनामा रोका जावे, श्रीमान जी की अतिकृपा होगी। और ये यहाँ नाम किसकी पत्नी या मान लीजिए जो भी उसका नाम, निवासी तहसील मौजा जिला मोबाइल नंबर आप ये सब कुछ डाल सकते हैं। देखिए ये नॉर्मली प्रार्थना पत्र है, अगर मान लीजिए आप रुकवाना चाहते हैं कि भाई ये कभी नहीं बेच पाए फिर तो आपको भाई या तो तहसीलदार से, जैसे मान लीजिए तहसीलदार न्यायालय में आपका कोई केस चल रहा है दाखिल खारिज से संबंधित, आप सोच रहे हैं कि विक्रेता ना बेच पाए, फिर तो आपको स्टे लगानी पड़ेगी, ठीक है, स्टे लगानी पड़ेगी तभी बैनामा रुक सकता है, अन्यथा के तौर पर ये सामान्य प्रार्थना पत्र है, आप इसे दे सकते हैं, इससे रुक भी सकता है, हो सकता है ना रुके, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन हाँ इस कंडीशन में रुक सकता है, मान लीजिए कोई शराबी है दिमाग से अस्वस्थ है तो इस कंडीशन में रुक सकता है, फिर ये निर्भर करता है उपनिबंधक के जो रजिस्ट्रार है वहां पे उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। और देखिए आप कोई भी ये जानकारी पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।